नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे महानगर सहित जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। बुधवार को होगी गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना। कार्मिकों को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के बारीकियों की दी जानकारी। जिलाधिकारी ने किया प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक, कहा विजयी जुलूस पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भारतीय भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकताओं पर पारित किया गया प्रस्ताव। एकीकृत शिकायत निवारण में 100% अंक के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय लगातार तीसरी बार अव्वल। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में रेलवे वर्कशॉप ने कमला क्लब देवरिया को 45 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसमें संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले 5 विधानसभाओं का अलग अलग स्थानों पर मतगणना सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के कला संकाय में, गोरखपुर शहर कन्वेंशन हॉल में, गोरखपुर ग्रामीण वाणिज्य संकाय में सहजनवा और पिपराइच तथा संवाद भवन के बगल में स्थित बैडमिंटन हॉल में कंपियरगंज विधानसभा के वोटों की गिनती होगी, जहां पर 14-14 टेबल लगाए गए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल और पीएससी के जवान तैनात हैं। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतगणना सुपरवाइजर, सहायक गणना कार्मिक और ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी गई। मतगणना कार्मिकों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने काउंटिंग को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए और अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा, दूसरी चीज की आपका बॉडी लैंग्वेज ये होना चाहिए कि आप ये दर्शाएं कि जो भी चीजें आप उसे कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के बोल रहे हैं। सरकार करने की जरूरत है। एक दो राउंड की काउंटिंग हो जाने के बाद धीरे धीरे फिर चीजें एक ही दो तीन राउंड तक ज्यादा से ज्यादा पैनिक क्रिएशन की सिचुएशन रहती है। अगर मिला है उसमें अब यह इंगित हो गया है कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र में आपको काउंटिंग करानी है, ये नहीं पता है कि कौन से टेबल पे आपकी तैनाती है। आपके नियुक्ति पत्र में ये भी लिखा है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि सुबह 6 बजे आपको कल सुबह 6 बजे यहाँ यूनिवर्सिटी प्रांगण में आ जाना है। जिन लोगों की ड्यूटी शहर विधानसभा क्षेत्र में है लगी, वो कला संकाय भवन जो ठीक आपके पीछे है, कला संकाय भवन में आपको जाना है। जिनकी ग्रामीण में लगी है, दीक्षा भवन के ठीक सके कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे काउंटिंग होगी ग्रामीण क्षेत्र की। सहजनवा और पिपराइच विधानसभा की काउंटिंग हमारे ठीक राइट हैंड वाणिज्य संकाय है, वाणिज्य भवन है, वहाँ पर होगी। पहले इस साइड में सहजनवा है और उस साइड में आपका पिपराइच है। और कैंपियरगंज विधानसभा की काउंटिंग बैडमिंटन कोर्ट जो संवाद भवन से सटे है, आप संवाद भवन पहुंचेंगे उसके ठीक सटे बैडमिंटन कोर्ट है। आपके नियुक्ति पत्र में भी लिखा है इस तरह से आप अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वहां जाने पे आपको चस्पा मिलेगा कि 1 से 14 टेबल पे किस टेबल पे आपकी तैनाती की गई है। आपको मतपत्र लेखा में जो 5वां अभ्यर्थी के मत में से उसे हम घटा देंगे। 5वां है कि विद्यमान मतों की संख्या पे गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर ये 2 प्रतियों में तैयार की जानी है।
ये जो है सीयू नंबर जो कंट्रोल यूनिट काउंट की जा रही है उसका नंबर आपको देना है, पोलिंग स्टेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ पोल्स रिकॉर्डेड, ये आपको भरना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तो पूरा स्वरूप है वो, उसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन जो हमारे निर्वाचन की जो नियत है जिसमें हमारे दिल्ली मजिस्ट्रेट्स रहते हैं, ट्रिबुनल मजिस्ट्रेट्स, और वही तो इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं जिनको ई आर ओ कहते हैं, और यही तो ए आर ओ होते हैं और यही आर ओ होते हैं। पार्लियामेंट्री चुनाव में बैठ रिकॉर्ड जो जिले के कलेक्टर होते हैं वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। जो प्रोफेशनल पूरा स्फीयर है उस प्रोफेशनल स्फीयर में कहीं भी नॉन प्रोफेशनल नॉलेज और एटीट्यूड का कोई स्थान नहीं, ये एक हाईली सेंसिटिव पूरा एक सर्किट है इलेक्शन का, बहुत हाईली सेंसिटिव है। और इस सर्किट में छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये छोटे छोटे सर्कल्स अदर एक्टिविटीज हैं, जैसे आपको किसी को सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिया, किसी को जोनल मजिस्ट्रेट बना दिया, कुछ लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया और उसके साथ उनके टीम को बनाने के लिए एक व्यवस्था है। लेकिन इसके अलावा इस इलेक्शन में इतनी व्यवस्थाएं होती है और उस बड़े घेरे के अंदर छोटे छोटे घेरे इतने सारे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इलेक्शन इज अ ह्यूज कलोसल एक्सरसाइज इन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मैन मैनेजमेंट पढ़ाए जाते हैं, ये सभी इस बात को यूनैनिमसली मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होता है वो अपने आप में मिरेकल है और इस मिरेकल को समझने के लिए, उसको देखने के लिए तमाम कंट्रीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो चुनाव के दौरान भारत वर्ष में आते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि किस प्रकार से इतना बड़ा इलेक्टोरेट एक पर्टिकुलर दिन में जाकर इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करता है और फिर बिल्कुल पारदर्शिता के सिस्टम में, बिल्कुल निष्पक्षता के सिस्टम में और हाई प्रोफेशनल लेवल्स को अपनाते हुए प्रक्रियाओं के संबंध में हम लोग डिलीवर करते हैं और किसी भी प्रत्याशी को विधानसभा या संसद के लिए रिटर्न करते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही दो तीन मिनट के अंदर कि इस सभा कक्ष में बैठकर आप में से प्रत्येक को जिसने अभी तक की प्रक्रिया में भाग लिया है वो भी और जिन्होंने भाग नहीं लिया है वो भी, वो इस बात की इम्पोर्टेंस को समझें कि आफ्टर ऑल आप क्यों यहाँ पर हैं और यहाँ पर इस सभा कक्ष में बैठने का क्या उद्देश्य है। एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमूमन पूरे भारतवर्ष में लगभग 20 लाख वोटर्स होते हैं और अमूमन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश जैसा बड़ी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का जो प्रदेश है वहाँ पर करीब 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, लेकिन ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है वहाँ पर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की होती है। हमारे यहाँ ये 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और अब हम लोग इस प्रक्रिया को चलाते हुए, क्योंकि आपके संज्ञान में तब आया इलेक्शन जब 9 फरवरी को मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हुई कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की 2 पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शन की घोषणा कर दी है। लेकिन जो हमारे अधीनस्थ पोलिंग इलेक्शन की मशीनरी है ये पिछले लगभग 4 से 5 महीने से इस इलेक्शन को संपन्न कराने की तैयारी में लगी हुई है। जो आप देखते हैं व्यवस्थाओं का स्वरूप या जो आपसे अपेक्षाएं रहती हैं
वो केवल कितना टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप किसी पोलर रीजन में जाइए जहां भी ग्लेशियर्स होते हैं, वो ग्लेशियर्स का केवल एक भाग आपके ऊपर दिखाई पड़ता है, बाकी सब नीचे होता है। तो आप जहां बैठे हैं तो आप सब काम ले रहे हैं और जितना आपकी सीमा है वो उस आइसबर्ग का एक टिप है, केवल एक थोड़ा सा पार्ट, बाकी काम सिस्टम कर रहा है। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में उम्मीदवार एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें प्रत्याशियों की मतगणना प्रक्रिया को संबंध में पूरी जानकारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में मतगणना के बाद प्रत्याशी का विजय जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विजयी प्रत्याशी को पुलिस सुरक्षा में उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा के 5 विधानसभाओं का स्ट्रांग रूम 14 मार्च को प्रातः 6 बजे प्रेक्षकगण की उपस्थिति में खोला जाएगा। इस समय उम्मीदवार या उसके एजेंट को उपस्थित रहना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों में प्रत्येक टेबल पर एक एजेंट की भी तैनाती रहेगी। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा के एक वीवीपैट मशीन के पर्ची की गणना भी की जाएगी। वीवीपैट मशीन का निर्धारण लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मतों की गणना का परिणाम प्रत्येक विधानसभा में स्क्रीन लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक एआरओ माइक से भी घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट से की जाएगी, इसकी गणना एआरओ टेबल पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल 2910 सर्विस मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकल मतपत्र भेजा गया था। 12 मार्च की शाम कुल 237 मत वापस मिले। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतपत्र पर यदि मतदाता या उसके सत्यापन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया जाता है या घोषणा पत्र नहीं मिलता है तो मत अवैध माना जाएगा। बैठक में प्रेक्षक डॉक्टर सुबोध कुमार, एडीएम वित्त एवं नोडल पोस्टल बैलेट विधान जायसवाल, सभी एसडीएम व एआरओ तथा प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। जो भी डाक मतपत्र प्राप्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है मतपत्र, उसके लिए सेफ्टी साइड के लिए आयोग ने उसपे बार कोडिंग की व्यवस्था कर रखी है। उसी तरह हर पोस्टल बैलेट जो गया हुआ है सर्विसमैन को, इस तरह की संभावना को नकारने के लिए क्यूआर कोड रीडर से जब वो पोस्टल बैलेट आ जाएगा उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन सबको स्कैन करने के बाद फिर अंत में फिर पोस्टल बैलेट स्कैन किया जाएगा और यह आश्वस्त हो जाने के बाद कि कहीं कोई डुप्लीकेट नहीं है, सब जेन्युइन है जो भेजे गए थे वही, फिर उनकी उसी प्रकार से मतगणना प्रारंभ होगी जैसे कि अन्य पोस्टल बैलेट के प्रकरणों में की जाती है। मैं जो घोषणा पत्र होता है वोटर होता है उसको साइन करना, प्रमाणक अधिकारी उसको साइन करना होता है। यदि दोनों में से कोई भी साइन नहीं करता है या घोषणा पत्र उसमें नहीं मिलता है तो फिर उसके आगे की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, वो बैलेट पेपर रिजेक्ट की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि उसने साइन किया है, उसके अटेस्टिंग ऑफिसर ने साइन नहीं किया है, वो भी रिजेक्ट की श्रेणी में चला जाएगा। और उन टेबलों पे भी आपके एजेंट रहेंगे, वो उस प्रक्रिया को देख सकेंगे और सब स्कैनिंग करने के बाद फिर जो मतपत्र होगा उन मतपत्रों की गणना काउंटिंग स्टाफ करेगा, वो जैसे पहले हुआ करती थी छपे हुए मतपत्रों की गणना उसी तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर उनकी गणना समाप्त होती है। ये इसमें यदि कोई और कोई आप लोगों को परीक्षा पत्र प्राप्त हो चुके
चुके हैं डाक विभाग के लिए। और डाक विभाग आज भी देगा और कल सुबह की व्यवस्था है कल 8 बजे तक जो पहुँचाने आरोप टेबल पे उनकी गणना हो जाएगी, उसके बाद जो पहुँचेंगे वो रिजेक्ट की श्रेणी में। केवल कांग्रेस के फार्म पर किसी पार्टी का फार्म आया है, बाकी जो है अन्य पार्टी आपको बता दीजिए आपके लोग कहाँ बैठे हैं फॉर्म लेने के लिए, जानकारी है आपको तो कहाँ फॉर्म लेके कहाँ जाना है आप बता दीजिए। इसमें आप जोधपुर शहर का बता दीजिए। इसमें जो है जो लाए हैं जो नहीं लाए हैं आपका ये सूची कोर्ट इन कलेक्ट में ही है, वकील मिले 300 शहर और ग्रामीण ये तहसील मिले रहे हैं कलम फ्री प्रिंटिंग में ले रहे हैं। बता दो किस कमरे में बैठे 300 शहर और ग्रामीण हेतु तहसील सदर में प्रथम तल पे संग्रह का कक्ष है, कलेक्शन का कक्ष है, वहीं पे हमारी दोनों विधानसभा की टीम बैठी हुई है। कृपया न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वहाँ से वहाँ पर लेकर के अपना फॉर्म जमा कर दी, वहीं से आपको पास लेकर दिया जाए। चलिए न्यायालय है उसके सामने न्यायालय संख्या 4 है उसने सजन हाँ जो यहाँ पर नहीं आती और ग्रामीण कैंटरगंज के लिए कर संख्या 1 जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में यहाँ पर नामांकन दाखिल किए गए, वहीं पर हमारी टीम बैठी हुई है जो अभी लाए हैं, अभी हमें हस्तगत करा है, यदि उसको थोड़ा समय लगा है वहाँ तक फिर सबको फोन भी हमने कराया था टाइम के लिए और जगह के लिए, फिर भी आप वहाँ पर जाके अगर नहीं लेके आए हैं तो यहाँ जाए यहाँ दे वो यहाँ दे दीजिए जानकारी है ही कि किसी कंपनी कहाँ हो रही है जानकारी है तो वही तो जो एक तो बड़ा मैदान क्रीड़ा संकुल का है जहाँ से बसे नहीं थी उसके बराबर में स्टेडियम है, वहीं पर स्टेडियम का जो परिसर रहेगा उसमें काउंटिंग एजेंट अपनी जिस भी वाहन से आए हों चौपहिया दो पहिया उसको खड़े करने की व्यवस्था वहाँ रहेगी, वो जब परिसर में आएंगे तो अपना वाहन वहाँ खड़ा करते सुरक्षित रहेगा, वहाँ पर एक ठेकेदार रहेगा और उसको वहाँ खड़ा करके फिर वो पैदल अपने अपने असेंबली के क्षेत्र में जाएंगे, अपना काउंटिंग एजेंट वाला जो उसका पास होगा उस अधिकारी उनके काउंटिंग एजेंट पास का जांच कर लेंगे उसको हम बता देंगे। तो ये वाहन की व्यवस्था आप लोग वहाँ करा लेंगे वो हमने की हुई है वहाँ पर धरने जी घर के लिए भी लगा देना उसको उसकी वहाँ बैठ के लगा था और जो हमको जो मतगणना स्थल है 320 अंपियर का आपका बैडमिंटन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक पृथ्वीराज सिंह ने मंगलवार को गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि संघ द्वारा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस वर्ष 9 से 11 मार्च तक आयोजित हुई, जिसमें संघ कार्य की स्थिति, सर संघचालक और सर कार्यवाहक का प्रवास तथा संघ के विभिन्न कार्य का वृत्त प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि इस सभा में भारतीय भाषाओं का संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकता विषय पर प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा 9, 10, 11 मार्च नागपुर में आयोजित की गई थी। प्रति वर्ष 3 दिनों के लिए प्रतिनिधि सभा का आयोजन हुआ होता है, जिसमें संघ की समझदारी रखने वाले ऐसे कार्यकर्ता जिन पर भरोसा किया जाता है, पूरे देश के लगभग 1500 कार्यकर्ता उस प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुए। वहाँ पर समूचे देश के संदर्भ में और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो संघ के कार्य वृत्त हैं और लगभग 50-60 जो हमारे समवैचारिक संगठन हैं, वो सभी अपने कार्यों की प्रगति के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो 41 प्रांत हैं, उन प्रांतों के माध्यम से भी संघ के पूरे कार्यों का एक दृश्य वहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये तो हमारा जो गोरख प्रांत है, सरकारी हमारे 10 जिले हैं, संघ की दृष्टि 16 जिले हैं, इनके साथ इनके कार्यवृत्त के साथ समूचे देश और जो दुनिया भर में फैले हुए संघ कार्य हैं उनके विषय में हम जानकारी देने के लिए ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने एक भारतीय भाषाओं के संवर्धन और पोषण के लिए प्रस्ताव किया। दुनिया भर में अन्य लगभग 250 ऐसी भाषाएं और बोलियां हैं जो समाप्त हो रही हैं। ऐसी भाषाएं और बोलियां जिनको 10,000 से कम लोग बोलते हैं, जब समाप्त होती है तो उसको खतरे में माना जाता है। और दुर्भाग्य का विषय है कि भारतवर्ष में भी लगभग 197 भाषाएं और बोलियां समाप्त हो रही हैं। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी हम अपनी बोलियों और भाषाओं का महत्व नहीं देते, इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों का, सरकारों का, स्वैच्छिक संगठनों का, प्रचार माध्यमों का हम ये सहयोग चाहते हैं। इसके लिए प्रस्ताव किया गया, आह्वान किया गया है कि वह भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अपना योगदान दें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में मूल्यांकन में प्रदेश में 26 उच्च शिक्षण संस्थान में लगातार तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। शासन द्वारा मंगलवार को जारी फरवरी माह की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 100% अंकों के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय पहले स्थान पे है। 70% अंकों के साथ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा दूसरे और 69.09% अंकों के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पे है। कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने इस प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुल सचिव शत्रुघ्न चौहान तथा उनके कार्यकाल को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि शिकायतों के निवारण की यह गति आगे भी बरकरार रहेगी। मंगलवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का मैच रेलवे वर्कशॉप और कमला क्लब देवरिया के बीच खेला गया, जिसमें रेलवे ने देवरिया को 45 रनों से मात दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रेलवे की टीम 30 ओवरों में 4 विकेटों के नुकसान पर 193 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। रेलवे की तरफ से 68 रन बनाकर राकेश कनौजिया टॉप स्कोरर रहे। देवरिया की तरफ से विशाल और उत्कर्ष ने 2-2 विकेट लिए। 194 रनों का पीछा करने उतरी देवरिया की टीम 30 ओवरों में 7 विकेटों गंवाकर 149 रन ही बना सकी। देवरिया की तरफ से विशाल ने 47 रनों की पारी खेली। रेलवे की तरफ से पन्नेलाल ने 6 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। अजी शादी हो गई हम लोग के यार। भाग 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 अबे पलटो 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 तीन रन का लीवर है। पांच पांच भगा पन्ने दियो चार हो गए। आया
अरे भाई साहब छोड़ेंगे पता हमको भागो पन्ने। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बुधवार को होगी गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना। कार्मिकों को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के बारीकियों की दी जानकारी। जिलाधिकारी ने किया प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक। कहा विजयी जुलूस पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भारतीय भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकताओं पर पारित किया गया प्रस्ताव। एकीकृत शिकायत निवारण में 100% अंक के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय लगातार तीसरी बार अव्वल। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में रेलवे वर्कशॉप ने कमला क्लब देवरिया को 45 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तो कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।